हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में एटॉमिक एसिड से जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जनरली क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला है। तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? वेवलेंथ निकालते हैं न्यू बार इक्वल टू लिखते हैं 1 बाय लैम्डा। ये क्या होता है 1 बाय लैम्डा? ये होता है आर एच। ये क्या होता है? रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। और 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे आर एच का वैल्यू क्या होता है, आर एच का वैल्यू होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब ये वैल्यू लिखेंगे, जब हमको लैम्डा कैलकुलेट करना रहेगा, तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा क्या होगा, 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ये यहाँ पे 1 बाय RH अगर करेंगे तो 1 बाय 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी टफ होगा, तो इसलिए हम 1 बाय RH का वैल्यू हम क्या एंगस्ट्रॉम में याद करेंगे, 912 एंगस्ट्रॉम, ये हम याद करेंगे। उसके बाद जो हम वेवलेंथ निकालेंगे, बहुत ही आसानी से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमको, ये इसका वैल्यू हमको याद करना होगा 912, और उसके बाद हम N1 N2 का वैल्यू हम पुट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम आराम से किसी का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जब भी आपको लैम्डा मैक्स बोले, जब भी आपको लैम्डा मैक्स बोले, तो जो N2 लेंगे, N2 जो लेंगे वो क्या लेंगे, नेक्स्ट हाइयर वाला। क्या लेंगे? N2 हमेशा क्या लेंगे, नेक्स्ट हाइयर वाला। जैसे यहाँ पे लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, इसका बोलेंगे जो मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, लाइमन के लिए N1 क्या होगा, लाइमन के लिए 1, और N2 क्या होगा, N2 इसके लिए 2 होगा, इसके लिए क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। और जब बात करेंगे हम शॉर्टेस्ट मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ में क्या लेंगे हम, इन्फिनिटी। N2 क्या लेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी, और यहाँ पे N2 क्या लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हाइयर, क्या लेंगे इसका, नेक्स्ट हाइयर। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कोई क्वेश्चन रहे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।